संडे को सुबह सुबह मैगी के साथ सौरभ जोशी के दुबई के व्लॉग्स देख के मैं भी ऑलमोस्ट दुबई पहुंच ही जाती हूँ। वैसे फिलहाल तो मेरे हाथ की इन लकीरों में दुबई की टिकट्स तो नहीं लिखी है, लेकिन फ्यूचर का किसे पता, किस्मत पे मुझे पूरा भरोसा है। चलो बैक टू रियलिटी। मुझे दिन भर रूम पे पड़े पड़े बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो मैं भोपाल की सबसे अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट रेड बस से निकल पड़ती हूँ मंदिर की तरफ। देखो अब मेरी सवारी तो पहुंच जाती है गुफा मंदिर, जो मेरे घर से कुछ खास दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंदर आते इतना सुकून मिलता है, मतलब सोचो जहाँ पे गाड़ियों से ज्यादा गिलहरियाँ दिख रही हैं रोड पे, शांति तो होगी ना वहाँ पे। देखो आज मैं सोलो ट्रैवलिंग के यानी कि अकेले ट्रैवल करने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी बताऊंगी, बट उससे पहले मैं अपने हाथ में कैमरा लिए इन छोटे छोटे कदमों से चल पड़ती हूँ मंदिर की तरफ। मैं मंदिर के अंदर की क्लिप्स ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे फ़ोन रख के और शांति से बैठना ज़्यादा पसंद है। इधर ये जो दिख रहे हैं ये गुफा के अंदर शिवलिंग है, इसीलिए शायद इनका नाम गुफा मंदिर पर है। अब मंदिर के बाहर आने के बाद कुछ ऐसे नज़ारे थे, पत्थरों के ऊपर कार्विंग की हुई थी बहुत ही ब्यूटीफुली राधे कृष्णा और गणेश जी की। चलो अब बारी ये बताने की अकेले ट्रैवल करने के फायदे और नुकसान क्या है, तो नुकसान से स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी अभी के टाइम पे कहीं जाता है तो सब चाहते हैं कि मेरे कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हों, तो अकेले ट्रैवल करने का ये एक नुकसान, बड़ा नुकसान है कि तुम्हें सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है, इवन हर एक क्लिप को शूट करना या फिर रिकॉर्ड करना या पिक्चर्स ही क्लिक करना क्यों ना हो। ये ओपिनियन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट मेरी ओपिनियन में जो फ़ायदे हैं वो नुकसान को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि अगर हम अकेले कहीं जाते हैं तो हमें पूरा का पूरा अपना खुद का टाइम मिलता है, एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और हर एक चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं। चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अब जाने ही वाली होती हूँ कि मुझे इन पत्थरों के ऊपर कुछ नाम लिखे मिलते हैं, कुछ लोगों ने राम का नाम लिखा होता है और कुछ लोग अपने अपने नाम लिख गए होते हैं। अब ये तो बहुत कॉमन है, हम दोस्तों के साथ भी ऑब्जर्व करते हैं या जज करते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि मैं अकेली थी तो फॉर नो रीज़न मैं इसे पास से देखने के लिए बस इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाती हूँ, जहाँ पे छोटे छोटे कांच के टुकड़े भी पड़े होते हैं, बट फिर भी बस चली जाती हूँ। यहाँ पे बैठ के बहुत ही सुकून महसूस करती हूँ, अकेला जो वो टाइम होता है ना उसे मैं इन्जॉय करती हूँ। भोपाल की मुझे एक ख़ास बात लगती है कि यहाँ पे लाइफ इतनी कैओटिक नहीं है, बहुत ही स्लो स्टडी और शांत है। वापस लौटते वक्त मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल इसलिए है क्योंकि वहाँ ऊपर बैठे बैठे मेरी एक प्यारी सी बच्ची से दोस्ती हो जाती है, जिससे अब मैं अपने इस प्यारी से दोस्त के साथ बिताए गए इन मोमेंट्स को रिकॉर्ड तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो मेरे फ़ोन से खेलती है, वीडियोस देखती है और ढेर सारी अपनी बातें सुनाती है, जो मुझे कुछ समझ में तो नहीं आता है बट सुन के अच्छा लगता है। मुझे लौटते वक्त मंदिर में भजन स्टार्ट हो जाता है, जो मेरा अटेंड करने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन क्योंकि वेदर बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था तो मैं नहीं रुक पाती। जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जाना पड़ेगा, शाम हो रही है इसलिए जाना पड़ेगा। जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कितनी कभी मन नहीं है जाने का, और वो भजन वगैरह स्टार्ट हो गया ना तो और लग रहा है कि रह जाऊँ, बट मैं अकेले आई हूँ ना तो इसलिए नेक्स्ट टाइम वापस आऊँगी और थोड़ा जल्दी आऊँगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है मुझे, इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब लिटरली, और इतनी अच्छी हवा भी चल रही है। फाइनली घर पहुंचने से पहले वही होता है जिसका मुझे पूरा डर था, यानी ये मेरे ऑटो में बैठते ही काफ़ी तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब ये तो शायद भोलेनाथ की कृपा थी कि मुझे इतनी बारिश में परेशान होते देख ऑटो वाले भैया खुद ही मुझे घर तक छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। थोड़ी बहुत भीग के मैं तो सेफली घर पहुंच जाती हूँ, और आज फिर मेरा एक संडे बोरिंग से सुपर इंटरेस्टिंग बन जाता है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर।